So students, let's continue with the second part of the poem, which name is A Tiger in the Zoo. So in the first stanza, we have left the stanza with that the tiger, if the tiger was in jungle, he came to the edge of the jungle and he should be snarling around our houses, he should be walking around our houses, he should be wandering around our houses, and he would terrorize us. If he were there, if he were in the jungle, he would terrorize us. He would show his white teeth, white sharp teeth and his claws to terrorize the whole village. But now what happens? But he is locked in a concrete cell. Now he is locked in a concrete cell. कहाँ पर बंद है वो? एक जो concrete cell है, मतलब कि जो पिंजरा है, जो cage है zoo का, वो वहाँ पर बंद है. His strength behind bars, और उसकी जो strength है, जिससे कि वो पूरे गांव को डरा सकता था, पूरे village को terror कर सकता था, and वो अपने जो जो prey है, उसको hunt कर सकता था properly. लेकिन उसकी जो वो strength है, वो bars के पीछे बंद कर दी गई है, वो कैद कर दी गई है. Bars मतलब क्या होता है? जेल. जेल में बंद कर दी गई है. उसके लिए जेल क्या है? दैट केज, जहां पर उसको रखा गया है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, उसकी जो स्ट्रेंथ है कहां तक लिमिटेड रह गई है. उस केज की जो केज का जो स्पेस है, उसको स्टॉक करने में उसकी जो स्ट्रेंथ है वो रह गई है. ऑलराइट, मतलब कि अब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वहीं तक लिमिटेड है जहां तक उस केज का स्पेस है. मतलब वो वहां पे बस कुछ ही स्टेप्स ले सकता है. उसकी जो स्ट्रेंथ है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. इग्नोरिंग विजिटर्स, एंड उसकी जो जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ तक लिमिटेड है? स्टेप्स कवर करने में, जो स्पेस है उसको उसको नोटिस करने में, एंड ऑल्सो विजिटर्स को इग्नोर करने में. बिकॉज हम लोगों का क्या होता है, हम लोग जब भी जू जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि एनिमल जो है, बहुत ही ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एनिमल है, वो वहाँ पर बंद है. ऑलराइट, हम उसको देख करके बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, और उसको चिढ़ाते भी हैं. हम उसके साथ मज़े भी करते हैं. राइट, उसको बहुत ज़्यादा लाइक सताते भी हैं. बट वॉट हैपन्स इफ उस टाइगर को खोल दिया जाए? वॉट हैपन्स इफ उस टाइगर को जंगल में रख दिया जाए? क्या आप उसके पास जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे. तो बेसिकली वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा रखता है और बाहर से हमको शांत दिखता है, एंड ऑल्सो वो हमको जान करके इग्नोर करता है. बिकॉज ही नोज अगर वो वहाँ पर आ जाएगा, देन ही विल बी सो हॉरिबल फॉर द पीपल, फॉर द विजिटर्स. सो नाउ अगेन this stanza will be ended by the by this para, by this stanza. In this stanza we will read about that. अब जो टाइगर है वो जू में है, एंड वो क्या कर रहा है? अब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी हम पढ़ चुके हैं कि खत्म हो चुके हैं पूरी तरह से. अब वो विजिटर्स को इग्नोर करना सीख गया है. नाउ ही हैज द लास्ट वॉइस एट नाइट. नाउ ही इज इन द zoo, he is in the cage, he is locked in the cage. अब वो क्या कर रहा है? वो रात के टाइम पे जो लास्ट वॉइस है केवल उसको सुनता है. द पेट्रोलिंग कार्स, कौन सी वॉइस को वो सुनता है? पेट्रोलिंग कार्स को, जो कि वहाँ पे सुपरवाइज करती है पूरे केज को, जो सुपरवाइज करती हैं उसको क्या कहते हैं? पेट्रोलिंग कार्स. And stars with his brilliant eyes. And वो क्या करता है? वो अपने जो brilliant सी जो eyes हैं, brilliant eyes मतलब वो नहीं कि जो wisdom वाली जो eyes हैं, no. It means जो sharp and जो gleaming जो eyes हैं. आपने देखा होगा tigers की जो eyes होती है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक और कितनी ज़्यादा dreadful हमको लगती है. Because वो बहुत ज़्यादा sharp होती है और बहुत ही ज़्यादा gleaming होती है, बहुत ज़्यादा चमकती है. Right? तो वो क्या करता है? वो केज के अंदर ही रह करके अपनी ब्रिलियंट आइज के साथ स्टार्स को घूरता रहता है, देखता रहता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और उन्हीं शाइनिंग स्टार्स को अपनी शाइनिंग आइज के साथ वो घूरता रहता है. एंड व्हाट ही थॉट, वो क्या सोचता है? व्हाट ही थिंक्स? दैट देयर इज अ वन थिंग सिमिलर इन द फॉरेस्ट और इन द जू. व्हाट इज द सिमिलर थिंग ही इज टॉकिंग अबाउट? ही इज टॉकिंग अबाउट द स्टार्स, द स्काई. बस ये एक ही चीज सिमिलर है कि वो उस नेचुरल हैबिटेंट में होता तब भी स्टार्स को स्टीयर करता रहता विद हिज ग्लीमी आइज, विद हिज ब्रिलियंट आइज. एंड अभी वो केज में है तो भी वो अपने वो जो स्टार्स हैं उनको उनको घूर घूर सकता है, उनको देख सकता है विद हिज ब्रिलियंट आइज.
So this was the stanza, this was the very beautiful poetry written by Leslie Norris. Alright, so in this stanza we have read about the condition of a tiger, that when he is in the jungle he was in full of his behavior, but when he is in the zoo he has his quiet rage and he just ignore the visitors, ignore the everyone who came to meet him. Alright, so this was the poetry. Hope you understood it. Thank you.